सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजू टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग किसी के भी नंबर पे कॉल कर रहे हो, किसी को भी कॉल अगर आप लगाते हो तो वहाँ पर किसी भी नंबर पे कॉल नहीं लग रहा है, तो आप ये प्रॉब्लम कैसे अपने सॉल्व कर सकते हो वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, वहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी को भी कॉल करते हो और ऐसे में अगर कॉल नहीं लग रही है किसी भी नंबर पर अगर आप करते हो, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर आना है। जैसे आप फ़ोन के सेटिंग के अंदर आते हो, उसके बाद यहाँ पर आपको आना है डुअल सिम मोबाइल नेटवर्क के अंदर। जैसे आप इसके अंदर आ जाते हो, उसके बाद यहाँ पर भी आप देखोगे डाटा लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर डाटा वाले के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जिस भी सिम से आप कॉल कर रहे हो, आपका यहाँ पर वही सिम सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डाटा नेटवर्क भी ऑन रहना चाहिए, ठीक है। ये डाटा का रहता है, ठीक है, मतलब अगर आप एक सिम लगाए हो या फिर दो सिम लगाए हो, तो जिससे आप बैलेंस है जिसमें जिससे आप कॉल करते हो, तो उसी से सारी चीज़ सिलेक्ट करके रखोगे सारी सर्विसेज, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अब आपको नीचे आना है, उसके बाद यहाँ पर भी आप देखोगे ये जो लिखा हुआ है सिम वन, तो यहाँ पर आप सिम वन के ऊपर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सारी सेटिंग्स चेक करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो नेटवर्क मोड जो है वो यहाँ पर आपको 4G तक सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो वोल्ट HD कॉल लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको इसको भी ऑन करना है। और उसके बाद डाटा रोमिंग, ये चीज़ जो है ये हमेशा ऑन रखना है, ठीक है जी। रोमिंग वाला जो होता है, मान लो कि आप बात कर रहे हो ऐसे में एक टावर से जिससे आपको सिग्नल मिल रहा है, उस समय हो सकता है वो सिग्नल उस टावर से आपको सिग्नल मिलना बंद हो जाए या फिर कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो वो क्या करेगा दूसरे टावर से आपका सिग्नल कनेक्ट कर देगा अगर आपका ये रोमिंग वाला ऑन रहेगा, तो इससे कॉल होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स हैं जो कि आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे इसके सामने जो मेरा VI इंडिया लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपके सिम का नाम लिखा होना चाहिए, आपका एयरटेल हो, आइडिया हो, जो भी हो वो आपका यहाँ पर लिख के आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका सिम एयरटेल का है लेकिन यहाँ पर लिख करके आता है जियो, और जैसे आपका आइडिया या वोडा है तो उन दोनों में तो VI ही लिख के आएगा, उसमें आप लोग परेशान मत होना क्योंकि ये दोनों मर्ज होकर के एक कंपनी बनी है VI, ठीक है। उसके बाद अब आपको यहाँ से बैक आना है, इसी तरीके से आपको सिम 2 के अंदर आना है और इसमें भी यही सारी चीज़ें चेक कर लेना है आपको। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर नेटवर्क मोड में मैंने 2G सिलेक्ट किया है, 3G और 4G। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखोगे जो मेरा इसके अंदर है वो मैंने डाटा रोमिंग हो गया, वोल्ट HD कॉल ये भी मैंने सिलेक्ट किया है, और यहाँ पर मेरा एयरटेल का सिम है तो यहाँ पर एयरटेल लिख के आ रहा है। अगर यहाँ पर आपको कुछ और लिख के आता है, एयरटेल की जगह जियो लिख के आता है, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी सर्चिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर आपके सिम का नाम लिख के आ जाएगा, तो आप उसी के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपका नेटवर्क जो है कि उसी सिम में रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें करोगे, उसके बाद आपका होगा। और हो सकता है जब आप मतलब कॉल कर रहे हो तो ऐसे में हो सकता है कि आपका जो बैलेंस है वो पड़ा हो सिम 2 में और आप कर रहे हो सिम 1 से, ठीक है। तो आप एक बार ये चीज़ चेक कर लेना, जब आप कॉल करते हो तो वो कॉल किस सिम से लग रहा है, ठीक है, 1 से लग रहा है या 2 से लग रहा है, जिसमें आपका बैलेंस है उसी से आपको कॉल करना है। और बाकी आपको एक नंबर पर नहीं, कई नंबर पर आपको ट्राई करना, हो सकता है कि एक नंबर पे जिससे आप कॉल कर रहे हो सकता है उसका मतलब रिचार्ज खत्म हो गया हो, तो यहां से कभी कभी ऐसा बताता है कि उसका इनकमिंग या फिर आउटगोइंग जो भी है उसका इनकमिंग जो होता है वो वैलिड हो चुका है, यानी कि अभी बंद हो चुका है, तो उसमें आपको यहाँ पर कभी कभी नहीं बताता, तो कॉल एंडेड लिख के आ जाता है बस। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, आप किसी और नंबर पे ट्राई करके अगर उसको कॉल लगता है तो फिर आपकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम भी उस बंदे की है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है, और बाकी अगर आपके फ़ोन की जो भी दिक्कत थी वो सब सॉल्व हो जाएगी। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, मान लीजिए अगर कोई आपकी सेटिंग वगैरह हो जाती है उल्टा पुल्टा, तो उसको आप कैसे सही कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, अपने ऐप मैनेजर में आना होगा। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर, और यहाँ पर अभी मेरा ऐप मैनेजर ढूंढता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो एप्लीकेशन एंड ये जो परमिशन वाला, इसके अंदर आने के बाद फिर आपको ऐप मैनेजर के अंदर आना है, और यहाँ पर आने के बाद जो भी आपके फ़ोन में डायलर है, ठीक है, उसको यहाँ पर अभी आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर लोडिंग चल रही है, उसके बाद यहाँ पर हम चलिए अपना डायलर सिलेक्ट कर लेते हैं जो मेरे में डायलर है। तो यहाँ पर अभी मैं देखता हूँ मेरे में फ़ोन के नाम से ये वाला। तो इसके अंदर आने के बाद आपको इंटरनल स्टोरेज के अंदर आना है, उसका क्लियर डाटा कर लेना है, क्लियर डाटा और क्लियर कैच कर लेना है। इससे क्या होगा, आपने अगर कोई सेटिंग वगैरह करके रखी होगी जिसके कारण से अगर नहीं जा रहा होगा तो वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके।